गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 3 निकालो नन्हा मुन्ना राही हूँ। तो मैंने पहले आपको ये पोएम की समझूती दे दी है। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास, उसमें पहला क्वेश्चन है उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। तो मैं बताती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ या कर सकती हूँ। तो पहला, मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगी। सेकंड, मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूँगी। थर्ड, मैं पानी की बचत करूँगी। फोर, मैं बिजली की बचत करूँगी। फाइव, मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगी। तो आपको जो देश सेवा के लिए कार्य करने हैं वो भी लिख सकते हो या मैंने बोले वो भी लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। अगर आप सिपाही होते तो क्या करते देश के लिए, वो आपको लिखना है। मैं मेरे बारे में बोलती हूँ कि मैं सिपाही होती तो क्या करती, तो डटकर सरहदों की रक्षा करती। जो सरहद होती है वहाँ डटकर उसकी रक्षा करती, किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करती। फिर आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देती। अब आपको क्या करना है, आपको सोचना है खुद ही कि आप सिपाही होते तो क्या करते, आपको उसका आंसर देना है। फिर थर्ड क्वेश्चन, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा। एक सैनिक है जो लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वो क्या सोचता होगा। तो सैनिक है जो लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वो सोचता होगा कि मैंने यहाँ इस भूमि पर जन्म लेकर अच्छा काम किया है, जो मैं अपने वतन के लिए काम आ सका। और उसको गर्व महसूस होगा। क्यों? क्योंकि वो लड़ते लड़ते घायल हो गया, उसको अच्छा लगेगा कि मैं इस देश के कुछ काम आ सका, पता चला। फोर क्वेश्चन है हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके रंगों के अर्थ बताओ। तो हम जो अपने राष्ट्र ध्वज है उसको तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें रंग है केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग है वो वीरता का प्रतीक है, वीरता और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग है वो शांति का प्रतीक है और हरा रंग है वो हरियाली का प्रतीक है, हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है। इसके लिए ये हमारा राष्ट्र ध्वज तीन रंगों का है और तीनों रंगों के मैंने आपको अर्थ बताए, आए समझ में। तो अब आपको क्या करना है, ये फोर क्वेश्चन आपको होमवर्क में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। तो आपको क्या करना है, जो तुम देश सेवा के लिए कोई भी कार्य करना चाहते हो तो तुम लिख सकते हो या करते हो। आप अभी भी कुछ देश सेवा के लिए कुछ कार्य करते हो तो आप लिख सकते हो, वो आपको खुद को लिखना है। अगर सेकंड क्वेश्चन है अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। हाँ, तो आप सिपाही होते तो क्या करते, वो आपको एक सिपाही की जगह आकर सोचना है कि आप खुद सिपाही होते तो आप क्या करते, तो वो क्वेश्चन आपको खुद ही लिखना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा, तो वो भी आपको लिखना है कि वो क्या सोचता होगा, वो आपको सोचना है और लिखना है। और फोर क्वेश्चन, हमने अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके रंगों का अर्थ बताओ, वो तो मैंने आपको समझूती दे दी। इसके लिए आपको क्या करना है, ये चारों क्वेश्चन है वो होमवर्क में करने हैं, आया समझ में। थैंक यू।